सुनने को मिला और युगों युगों से संतों का यही संदेश रहा है कि मनुष्य के शरीर में हो तो मनुष्य बन भी जाओ, ऐसे अपनी जीवन को व्यर्थ नहीं गवाना कि ये जो सांसें हैं ये तो गिनती की हैं, तो ये जीते जी हमने अपने जीवन का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे वो मानवीय गुणों के ऊपर अपने जीवन को आधारित रख के सच के एक इंसान बनना है, क्योंकि ये मानवता से ऊपर तो कोई भी धर्म नहीं है। एक ह्यूमन क्वालिटीज, एक ह्यूमन वैल्यूज जब तक एक इंसान में है तो ही वो इंसान एक वरदान का रूप है इस संसार के लिए। तो हमने किस तरह एक अपने जीवन को आधारित रखना है, वो संतों के ही वचनों पर आधारित रखना है, क्योंकि जब सत्संग में भी आते हैं तो भी वो सत्य का संग होता है। वो वचन जो हमारे को इतने अनमोल देते हैं, वो जीने का तरीका जो सिखा देते हैं, ऐसे ऐसे एक एक छोटी छोटी बात भी अगर उठाई जाए और उसको अपने जीवन में एक उसके ऊपर चला जाए तो वाकई ही ये मन बहुत ज़्यादा बदल जाता है और अपने आप ही एक अच्छाई के मार्ग पे चलने के लिए मोटिवेटेड रहता है। तो कैसे हमने अपने दिल से ये जो भी कोई बुरी अंदर चीज़ छुपी है, चाहे वो किसी के लिए नफरत हो, चाहे ये निंदा करने वाली बात या किसी को एक छोटी दृष्टि से देखने वाली बात, किसी के मन के ऐसा प्रभाव ले जाना कि उस व्यक्ति ने कुछ कह दिया वो कठोर वचन से, तो अब जीवन भर उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, तो ऐसी चीज़ें तो हमको और तंगदिल बना देंगी। और हमें एक विशाल अपने मन को बनाना है कि ये संसार में अगर किसी ने कुछ भी तरीके एक अच्छाई ही करनी है, जैसे फरीद जी की भी वो लाइन है, फरीदा बुरे दाग पला कर गुस्सा मन ना हंडाई, कि कैसे एक बुरा भी अगर कोई कर रहा है उसके साथ भी हमने भला ही करना है। वो करना चाहे कितना भी उस समय कठिन लगता है, क्योंकि एक इंस्टिंक्चुअली एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट की तरह अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो स्वभाव के कारण पलट के वो इंसान भी आगे कुछ कड़वे वचन बोल देता है, पर उस समय ये बात याद रखनी, इस परमात्मा को याद रखना कि किसी ने अगर कुछ बुरा भी करा है तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमने उसके जैसा नहीं बात करनी, हमें अपनी अच्छाई जो हमारे अंदर है उस पर स्टे करना है, उसी को आगे अपने शब्दों से निकालना है। तो उस समय भी चाहे वो कितना भी कठिन हो करना, तो भी एक संत मति के अनुसार अपने शब्दों को, व्यवहार को, सोच को उस तरह चलाना है कि ना हमारे मन में कोई क्रोध जागे और हमारा मन जले, ना हमारे शब्दों से किसी दूसरे का भी वो तंगी मन में उसके आए या कुछ ऐसे वचन निकल जाए जो सामने वाले का भी फिर पूरा दिन वही बात सोच सोच कर एक बैठ जाए। तो हमने तो वही कार्य करना है जो संतों ने सिखाया है, किसी को चोट नहीं देनी, किसी को आंसू नहीं देने, हर एक का एक जो भी नेचर है उसको एक्सेप्ट करते हुए कि चाहे हमसे दूसरे सामने वाले का कितना भी एक अलग स्वभाव है, तो भी हमने उसके स्वभाव पे ये मानना है कि परमात्मा ने जहाँ इतनी कुदरत की रचना करी, कोई भी चीज़ दूसरे के जैसे सेम नहीं होती, तो चाहे वही बात की अगर एक सोना भी है उसको हम चाहे तो अंगूठी बना लें, उसको चाहे तो गले में हार की तरह बना लें, और फिर वही हार चाहे तो पिघला के उसकी अंगूठी बना लें, तो है तो बात वही कि जो एसेंस है, जो मेन है आत्मा, वो सभी में है, और बस आकार चाहे अलग अलग भी दिखते हों इंसानों के, चाहे वो शारीरिक रूप के आकार अलग या है, और हर पल एक
भक्ति ही में ही जीवन निकले और कोई भी और दूसरी और नेगेटिव तरीके से या कुछ भी वो सोच ना जाए। सात संगत जी प्यार से कहना Yeah.